ओरेकल डेटाबेस सीखने के लिए हमारे चैनल लर्न कोडिंग को सब्सक्राइब करें। आज का हमारा टॉपिक है एसक्यूएल कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट क्या होता है, इसे क्यों अप्लाई किया जाता है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट हम आपको समझाएंगे और ओरेकल डेटाबेस के साथ प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे आने वाले वीडियो लेक्चर में, ठीक है। तो सबसे पहले व्हाट इज कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है। कंस्ट्रेंट्स आर द बिजनेस रूल विच अलाउ अस टू मेंटेन प्रॉपर डेटा इनसाइड ए टेबल। ये जो कंस्ट्रेंट होता है ना, ये बिजनेस रूल होता है, मतलब ये रूल होता है जिसे अप्लाई करके आप अपने टेबल के अंदर डेटा को प्रॉपर मैनर में मेंटेन करके रख सकते हैं, ठीक है। कुछ रूल्स रेगुलेशन प्रोवाइड करता है कंस्ट्रेंट, उस रूल्स के थ्रू आप अपने टेबल के डेटा को मेंटेन कर सकते हैं, वो भी प्रॉपर मैनर में जैसा आप चाहते हैं, यही होता है कंस्ट्रेंट, इसीलिए इसका यूज़ करते हैं। तो आपको याद क्या रखना है, इन ओरेकल द इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट्स क्लासिफाइड इनटू थ्री ग्रुप्स। ये जो हमने आपको पढ़ा है ना, ये इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट है, ठीक है। तो ये तीन पार्ट में डिवाइड है। पहला होता है डोमेन इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, इसमें तीन होते हैं। पहला होता है डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट, सेकेंड होता है नॉटनल कंस्ट्रेंट और थर्ड होता है चेक कंस्ट्रेंट, ठीक है। इसको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे प्रैक्टिकल के साथ, इनका क्या यूज़ है, ठीक है, और ये डोमेन इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट हम कब अप्लाई करेंगे। सेकंड होता है हमारा एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। एंटिटी मतलब जो टेबल पे लगता है, ठीक है, टेबल लेवल पे अप्लाई होता है। तो ये क्या होता है, इसमें दो कंस्ट्रेंट होता है, एक होता है यूनिक की, एक प्राइमरी की। तो यूनिक की और प्राइमरी की में क्या अंतर है, कब किसको यूज़ करना चाहिए, हम आपको ये भी समझाएंगे प्रैक्टिकल के साथ, ठीक है। इंटरव्यू में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है डेटाबेस से, यूनिक की और प्राइमरी की में क्या डिफरेंस है, ठीक है, तो हम आपको वो डिफरेंस भी समझा देंगे। थर्ड होता है हमारा रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट हम तब यूज़ करते हैं जब हमें एक टेबल को दूसरे टेबल के साथ लिंक करना हो और दूसरे टेबल के थ्रू पहले टेबल के रिकॉर्ड को अगर हम फेच करना चाहते हैं तब हम इसका यूज़ करेंगे। अगर कंस्ट्रेंट रहेगा, अगर हम कंस्ट्रेंट यूज़ करते हैं अपने टेबल में, तो हम डुप्लीकेट वैल्यू अगर नहीं चाहते हैं कि हमारे कॉलम में इंसर्ट हो, तो भी हमें कंस्ट्रेंट लगाना पड़ेगा। अगर हम एक टेबल को दूसरे टेबल के साथ लिंक करके डेटा फेच करना चाहते हैं, तो भी हमें कंस्ट्रेंट ही यूज़ करना पड़ेगा। मतलब किसी भी तरह का अगर आप ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं ओरेकल डेटाबेस के टेबल में, जिससे आपका डेटा भी प्रॉपरली मेंटेन रहे, तब आपको कंस्ट्रेंट ही यूज़ करना पड़ेगा। तो आपको एक और बात, चलिए हम आपको बता देते हैं कंस्ट्रेंट दो तरह से अप्लाई करते हैं, तो उसके नियम क्या हैं। पहली बात आपको क्या याद रखनी है, वी कैन इम्पोज इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट इनसाइड अ टेबल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ टेबल क्रिएशन एंड बाय द हेल्प ऑफ अल्टर कमांड। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट है ना, इसको आप दो तरीके से दो टाइम पे लगा सकते हैं अपने टेबल में। पहला, जब आप टेबल क्रिएट करते हैं, अगर आपको कंस्ट्रेंट लगाना है, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट मतलब उन तीनों में से कोई भी कंस्ट्रेंट अगर आपको अप्लाई करना है, तो आप टेबल क्रिएशन करते टाइम ही लगा सकते हैं। और मान लो आपने टेबल क्रिएट कर लिया, आपने कंस्ट्रेंट लगाना भूल गए आप, अब आपको बाद में याद आता है, तो बाद में आप अल्टर कमांड की मदद से भी कंस्ट्रेंट ऐड करके अपने कॉलम में अप्लाई कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ टेबल क्रिएशन वी कैन अप्लाई कंस्ट्रेंट बाय द टू डिफरेंट वेज। अगर आप टेबल क्रिएट करते समय ही कंस्ट्रेंट लगाना चाहते हैं अपने टेबल के कॉलम में, तब आप दो तरीके से लगा सकते हैं। पहला होता है कॉलम लेवल। कॉलम लेवल अगर आप कंस्ट्रेंट लगाते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे ही आपने कॉलम लिखा और जिस भी कॉलम में आप कंस्ट्रेंट लगा रहे, उसी टाइम पे कॉलम बनाते समय ही अगर आप कंस्ट्रेंट लगा देते हैं, तो ये होता है कॉलम लेवल कंस्ट्रेंट। टेबल लेवल कंस्ट्रेंट हम किसे कहते हैं, मान लो आपने अपने टेबल के सारे कॉलम को डिफाइन कर लिया और बाद में अब आप डिसाइड कर रहे हैं किस में लगाना है, लास्ट में कॉमा देने के बाद, तब वो होता है टेबल लेवल कंस्ट्रेंट। तो आने वाले वीडियो लेक्चर में हम इसे भी प्रैक्टिकल करके आपको दिखाएंगे। तो ये था हमारा कंस्ट्रेंट।